साथ है तो ये हमसे हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल घुमावत ऑफिशियल। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, आज का ट्यूटोरियल वीडियो इसी प्रकार का देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सभी मटेरियल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको मैं ऑडियो की लिंक दे रखा हूँ, आपको उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ऑडियो को ऐड करने के बाद अब आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और आपको मीडिया पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको मैं एक फोटो दे रखा हूँ, आपको उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको फुल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, कुछ इतना करने के बाद अब आपको फोटो पे क्लिक करना है और आपको इसकी लेयर को आगे तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों, कुछ इतना करने के बाद अब आपको बैक आना है और दोस्तों, आपको मैं एक XML फाइल दे रखा हूँ, आपको उस XML फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। XML फाइल को ऐड करने के बाद अब दोस्तों, आपको XML फाइल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके पास XML फाइल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो आपको दोस्तों, इन सभी लेयर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना है और आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अब आपको कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब दोस्तों, आपको इस फोटो में एक इफेक्ट को ऐड कर, तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको घुमावत ऑफिशियल लेयर पे क्लिक करना है और आपको इफेक्ट में आना। इफेक्ट में आने के बाद अब आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देना और दोस्तों, आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों, आपको फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद अब आपको इफेक्ट में आना। इफेक्ट में आने के बाद अब आपको थ्री डॉट कॉम पे क्लिक करना है और आपको पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और दोस्तों, आपको इनको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये इफेक्ट हमारे ऐड हो गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये वीडियो एडिट हो गई है। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा हुआ एक्सपोर्ट का आइकन, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा हुआ एक्सपोर्ट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।